हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आज आपको बहुत इजी मेथड बताने वाली हूँ, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी आपको इससे रिलेटेड, लॉगरिथम देखने से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि सभी क्या करेंगे, सभी बच्चे पहले अपनी एक लॉग टेबल देख लेंगे अपने पास जो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो लॉग टेबल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करी है कि कैसे होती है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं कि 10, 11, 12, 13, ऑब्वियस है लॉग की पावर 10, बेस 10 से स्टार्ट करते हैं इसलिए 10 से शुरू होती है। देन 0 टू 10 यहाँ तक नंबर होते हैं, यहाँ कुछ कुछ नंबर लिखे होते हैं। फिर उसके आगे भी यहाँ पर मेन डिफरेंसेस लिखे होते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री में ये जो मेन डिफरेंस होते हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि इनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो 10 है उसकी मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, सभी नहीं लिखी हैं, ऐसे 11, 20, 20 की मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, 24 की कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। इसी तरीके से आपके इसके अंदर टोटल जो हैं 99 तक वैल्यूज़ हैं लॉग टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी लॉग टेबल को चेक करना है, उसको देखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लिया वी हैव टू, पहले हम बात करेंगे लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग 2, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग 20, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग 200 एंड लॉग 2000, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सारे ही 2 लिख दिए, वो हम समझाने के लिए, डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पर बात करें कैसा हमने क्यों लिखा। देखिए बच्चे, जब हम लॉग 2 की बात करते हैं तो सबसे पहले लॉग देखने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पर कितनी डिजिट है, 1, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। फिर हमें क्या करना है, किसी भी उसमें नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1, नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1 मीन 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, ठीक है। ये पहला स्टेप है लॉग देखने का कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये कर दिया, देन वी हैव टू प्लेस अ पॉइंट आफ्टर दैट, यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है। सेकेंड स्टेप क्या है, दैट इज पुट पॉइंट, लगा दिया सब में हमने, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट इन थर्ड, मीन्स पहली 2 डिजिट्स का तीसरी में लॉगरिथम देखना है। अब आप देखिए यहाँ पर 3 डिजिट हैं, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पहली 2 डिजिट का 0 में देखना है तो ये तो सही है, यहाँ पर मैं कह दूँ पहली 2 का थर्ड में देखना है ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट ही 2 हैं तो यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं है, तो अज्यूम करना है कि 0 में देखना है। हालांकि है ये 20, लेकिन क्योंकि 20 के 0 में देखना है, यहाँ पर एक ही डिजिट है तो इसके पीछे भी 0 अज्यूम करनी है, और ये भी क्या करना है, अज्यूम कि 20 के 0 में, मीन्स थर्ड पॉइंट क्या है, सी लॉग ऑफ फर्स्ट टू डिजिट इंटू थर्ड डिजिट पहली 2 डिजिट का तीसरी में। अब जैसे मैं यहीं से लेकर, इसलिए मैंने ये लॉग लिखा था यहाँ पर 20, यहाँ पर लॉग 2 1 0 0 पॉइंट, अब मुझे क्या देखना है 20 के 0 में, तो 20 के 0 में वैल्यू कितनी है 3010, यहाँ पे भी 1 और 20 के 0 में यहाँ पर भी क्या 3010, यहाँ पर भी क्या 20 के 0 में तो 3010 और यहाँ पे भी क्या 3010, क्यों, पहली 2 का तीसरी में देखना है। यहाँ पर जो इसकी 0 की वैल्यू है, देखिए 20 में इसकी जो 0 की वैल्यू है, 0 की तो कुछ वैल्यू ही नहीं होती, 1 होता मान लिया, अगर यहाँ पर 1 होता तो मैं यहाँ पे ये जो 2 होता मान लिया, चलो ये ऐसे था 2001, ठीक है, 4 डिजिट थी, 4 में से गया 3 पॉइंट, 20 के 0 में देखना है पहले तो देख लिया। फिर ये जो 1 है ना, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर, इस 1 की वैल्यू 2 है तो हमें ये 2 यहाँ पर प्लस कर देना है, तो वैल्यू क्या आ गई 3.3012। तो आप देखेंगे इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए हम ये वाला स्टेप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ देते हैं, ये प्लस करने वाला मीन डिफरेंस वाला। मीन डिफरेंस का हमेशा क्या करना है, मीन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से देखनी है और उसको जो आपका आंसर आया ना लोग देखने के बाद उसमें प्लस कर देना है,
ठीक है, बस इतना सा करना है। तो आप ये आंसर लगा लो या ये आंसर लगा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। तो बच्चे यहाँ पर इसका मतलब इन सब में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो क्या, ये जीरो, ये वन, ये टू पॉइंट, ये थ्री पॉइंट समथिंग आंसर आता है, अदरवाइज आंसर तो सबका क्या रहेगा, सेम। ठीक है, नाउ लेट वी टेक अनदर एग्जाम्पल, दो चार और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। चलो, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉग थ्री, वी हैव टू फाइंड आउट लॉग फाइव टू, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू लॉग थ्री सेवन टू, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग फोर थ्री सेवन टू, लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लॉग थ्री की वैल्यू देखें, नंबर ऑफ डिजिट वन है, वन माइनस वन मतलब जीरो, उसके बाद लगाना है पॉइंट, फिर क्या करना बच्चे, पहली दो डिजिट का तीसरी में, अब इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब किस में देखेंगे, थर्टी के ज़ीरो में, किस में देखेंगे, थर्टी के ज़ीरो में, आप यहाँ पे थर्टी पे जाएंगे और थर्टी के ज़ीरो में जो वैल्यू होती है वो फोर सेवन सेवन वन होती है, तो कितना आंसर आ गया लॉग थ्री का, जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन। ठीक है, अब मुझे फिफ्टी टू का देखना है, तो नंबर ऑफ डिजिट टू, टू में से बन गया वन, वन पॉइंट, क्या करना है, पहली दो डिजिट का तीसरी में, फर्स्ट टू डिजिट कितनी है 52, थर्ड कुछ नहीं है तो इसका मतलब जीरो है, मींस क्या देखना है 52 के जीरो में, 52 के जीरो में जो आंसर है वो है 7160, तो ये हमारा लॉग 52 का वैल्यू आ गया। अब मुझे तीन डिजिट दी हुई है, तो नंबर ऑफ डिजिट थ्री माइनस वन मींस टू, उसके बाद लगा देना पॉइंट, और फिर क्या करना, पहली दो डिजिट का तीसरी में देखना, 37 के टू में, 37 के टू में, अब 37 के टू में बच्चे वैल्यू है 5705, गॉट माय पॉइंट, यहाँ आ जाइए। अब डिजिट चार हैं मीन्स थ्री पॉइंट, क्योंकि फोर माइनस वन थ्री, उसके बाद पॉइंट, फिर क्या करना, वही पहली दो डिजिट का तीसरी में 43K7 में, ध्यान रखिए अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो हम 37 के ज़ीरो में देखते हैं, यहाँ 5 होता तो 37 के 5 में देखते हैं, यहाँ पर 8 होता तो 37 के 8 में देखते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता तो 0 में देखते हैं, जैसे कि इसमें देखा था। ठीक है, यहाँ 2 होता तो 52 के 2 में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बदल जाती, 2.0 हो जाता। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमें देखना 43K7 में, 43K7 में जो वैल्यू है बच्चे वो है 6405, और फिर ये 2 बच गया जो है, इसका जो मीन डिफरेंस है 43 में 2 है इसका, तो ये 2 इसमें जोड़ देना है, मैंने कहा कि इसको जोड़ो या ना जोड़ो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3.6405027, ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, इट डजेंट मैटर, मीन्स दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द लॉगरिथम ऑफ एनी डिजिट प्रोवाइडेड टू यू। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉग फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चे, आपको जब नास्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे या फिर प्लस वन में हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, लॉग एक्स बाय वाई का मीनिंग होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, लॉग एक्स इंटू वाई का मीनिंग होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब हमें क्वेश्चन आ गया कि ऐसे निकालना, मान लिया हमें, अब जैसे हम ये जो इक्वेशन कर रहे हैं हमारी, उस इक्वेशन में हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे नर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें हमारी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। मान लिया यहाँ पे सोल्व करने के बाद, जैसे मान लिया 5/4 आ गया, 52/40 आ गया, कोई भी वैल्यू आ गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 5 माइनस लॉग 4, लाइक दिस। इधर तो कुछ भी वैल्यू होगी जो हमारा सोल्व करके 0.05 बाय में 2 एन की वैल्यू, तो लॉग 5 की वैल्यू कैसे देखेंगे हम, 0.50K0 में, 50 के ज़ीरो में वैल्यू होती है 6990। ठीक है, माइनस लॉग 4, लॉग 4 मतलब वन डिजिट है, तो 0.40 के ज़ीरो में, 40 के ज़ीरो में जो वैल्यू होती है वो होती है 6021 समथिंग कुछ होती है, 40 के ज़ीरो में 6021, यस 6021। ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग। ठीक है, कि कैसे निकालना है, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारा लॉग सोल्व हो जाएगा, मतलब एक्स बाय वाई है तो सोल्व कर लीजिए। देखिए बच्चे, अगर पॉइंट्स में है, मान लिया ये 50.3 है, ये 42.4 है, तो इनके पॉइंट हटा लीजिए कि नीचे ज़ीरो आ जाएगा, ऊपर ज़ीरो चला जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ऐसा हो कि ऊपर हो नीचे ना हो ज़ीरो,
तो आप इस पॉइंट को भी हटा लीजिए, ये हो जाएगा 4, तो ऊपर हो गया 503, नीचे हो गया 4240। मींस इसको क्या लिख सकेंगे, लॉग 503 माइनस लॉग 4240, लाइक दिस। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, आप अपने आप कर लीजिएगा। नंबर ऑफ डिजिट 3, 2.50 के 3 में। नंबर ऑफ डिजिट 4, 3.42 के 4 में। देन आपका क्या निकल जाएगा, लॉगरिथम यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम लॉगरिथम को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट एंटी लॉगरिथम, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चे एंटी लॉग देखने के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो एंटी लॉग होती है, एंटी लॉग की टेबल हम देख लेते हैं। उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होता है, यही इसी तरीके से नंबर्स हमें गिवन होते हैं, ऐसे ही मेन डिफरेंसेस गिवन होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऐसे शुरू होती हैं, 0.00, लाइक पॉइंट से शुरू होते हैं, 0.01, 0.02, 0.03, लाइक दैट। ठीक है, मीन्स एंटी लॉग की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉइंट से ही शुरू होती है। तो लेट मी स्टार्ट। देखिए अगर मुझे निकालना है लॉग 35.725, लाइक दैट, कुछ भी डिजिट आ गई, कोई भी डिजिट, तो एंटी लॉग देखते हुए मैं क्या करना है, वी हैव टू पुट दिस 35 ओवर पावर ऑफ 10। मीन्स पॉइंट से पहले जो भी डिजिट हो, पॉइंट से पहले बच्चे जो भी डिजिट हो उसको क्या करना है, 10 की पावर लगा देना है। यहाँ पे 50 होता तो 50 कर देते हैं, यहाँ पर 10 होता तो 10 की पावर 10 कर देते हैं, यहाँ 20 होता तो 20 कर देते हैं। ठीक है, मीन्स इतना हमने यूज़ कर लिया है। देन बिल्कुल लॉगरिथम की तरह हमें ये सोल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही 0.72 के 5 में, पहली दो डिजिट का तीसरी में। ठीक है, तो एंटी लॉग मैंने कहा हमेशा कहाँ से शुरू होंगे, पॉइंट से। तो यहाँ पे है हमारा जो 0.72 है उसके 5 में जो वैल्यू है बच्चे वो है 5433, ये वैल्यू है। एक्चुअली में रूल क्या होता है, 10 की पावर n प्लस 1, ये होता है 10 की पावर n प्लस 1। हम यहाँ पे ये प्लस 1 नहीं करते, हम सिर्फ ये n लगा देते हैं। और उसके लिए जो प्लस 1 के लिए एक और आना था, मतलब यहाँ पे क्या होना था, 36 होना था, तो हम वो 36 नहीं करते, हम सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया वैल्यू, 5.433 इंटू 10^35। दिस इज़ द एंटी लॉग ऑफ दिस वन। ठीक है, मान लिया कोई और वैल्यू ले लेते हैं, लॉग 5.723 ऐसे आ गया, या ऐसे आ गया लॉग एंटी लॉग, सॉरी नॉट लॉग, दिस इज एंटी लॉग, एंटी लॉगरिथम, दिस इज ऑल्सो एंटी लॉग। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो एंटी लॉगरिथम, लाइक इसका हमें देखना है। तो बताइए आप क्या करेंगे, 10 की पावर 5 कर दीजिए, 10 की पावर 5 इंटू, देन क्या करेंगे, ओ मैंने वापस 72 ले लिया, कुछ और ले लेते हैं, 372 ये ले लेते हैं। ठीक है, तो 0.37 के 2 में हमें एंटी लॉग देखना है, 0.37 के 2 में। तो यहाँ पर मूव करेंगे, 37 के 2 में जो वैल्यू है बच्चे वो है 2355, लाइक दिस 2355। मैंने कहा यहाँ जो प्लस 1 है वो हम नहीं करते, उसके नाम का यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 2.355 इंटू 10^5। अगर ये यहाँ पे 2 नहीं होता तब हम क्या करते, 37 के 0 में देखते। अगर यहाँ पर 8 होता तो क्या करते, 0.37 के 8 में देखते। अगर यहाँ 9 होता तो क्या करते, 0.37 के 9 में देखते। इसको तो पावर लगा ही देना है। अब हमने बात करी थी एंटी लॉग 7.735 ऐसे कुछ वैल्यू है। क्या करेंगे, 10 की पावर 7 इंटू 0.75 के 5 में एंटी लॉग देख लेंगे, 0.75 के 5 में। तो 0.75 के 5 में जो वैल्यू है 5689 समथिंग कुछ है, पॉइंट लगा देंगे प्लस के नाम का, दिस इज द वैल्यू। अब ये जो 2 है इसका जो मेन डिफरेंस की वैल्यू है वो है 3 मैं यहाँ पर जोड़ दूंगी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा इस 2 को हम स्किप कर सकते हैं, चाहे हम लॉगरिथम देख रहे हैं चाहे एंटी लॉग देख रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना नंबर ऑफ डिजिट्स में काउंट होगा ये लॉगरिथम जब निकालेंगे। अगर 4 डिजिट हैं, मान लिया 7552, इसका ही अगर मुझे लॉग देखना होता तो ये काउंट होगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3.75
75 के 5 में, और फिर 2 का मेन डिफरेंस जोड़ना है, जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ना तो केमिस्ट्री में छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द एंटीलॉग। बच्चे वैसे तो डिफरेंट वे हैं लॉगरिथम और एंटीलॉग को सोल्व करने के, लेकिन ये आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट मेथड है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, जहाँ पे हम लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको नेगेटिव क्वांटिटी का एंटी लॉग भी बता देती हूँ कि कैसे देखते हैं। एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी मीन्स, मान लिया सोल्व करते करते हमें आंसर आ गया -35.427 समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ वैल्यू आ गई, और हमें इसका एंटी लॉगरिथम देखना है, ठीक है। इसका हमें क्या देखना है, एंटी लॉग ऑफ -35। तो बच्चे देखिए एंटी लॉग देखते हुए बड़ी वैल्यू हो गई, ये लेते हैं पहले, शुरू यहाँ से कर लेते हैं 5, ठीक है। एंटी लॉग देखते हुए बच्चे हमें क्या करना है, माइनस का हमें ऐसे नहीं करना जैसे हम पहले करते थे कि इसको 10^5 लगा दिया, और हमें क्या करना है, वी हैव टू +1 और -1 मीन्स -1 और +1 ये वैल्यू हमें ऐड कर देनी है, -1 +1। देखिए ये -5 था, ये -1 था, तो ये कितना हो गया -6, ठीक है पॉइंट। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये तो माइनस की है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये जो वैल्यू है ऊपर ये +1 है। तो हमें करना क्या है, एक में से जो नीचे गिवन है 427 उसको माइनस कर देना है। करेंगे आप माइनस, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, और ये हो गया 0। मीन्स बचा क्या हमारे पास 573। अब क्या करना है, अब बिल्कुल सेम मेथड, अब 10^-6 ये, ठीक है, इंटू 0.757 के 3 में, 0.57 के 3 में हम वैल्यू देखेंगे, दिस इज 3741, और पॉइंट के नाम का यहाँ +1 के नाम का एक पॉइंट हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3.741 × 10^-6। इसका डायरेक्ट नहीं देखना है, अगर आप इसका देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 10^-5 और 42/7 में, वो गलत हो जाएगा। नेगेटिव क्वांटिटी में -1 और +1 करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया 10.372 है, ठीक है ना, मैं 37 बहुत यूज़ कर रही हूँ, कुछ और ले लो भाई, 675 है, ठीक है। ये नेगेटिव का एंटी लॉग हमें देखना है, तो क्या करेंगे, -1 + 1। अब -1 ये कितना हो गया बेटा, 10 की जगह क्या हो गया 11, क्योंकि ये भी -1 है, और ये -10 है, ये -1 है, और पॉइंट अब क्या करना है, ये जो नीचे वाली डिजिट होती है ना पॉइंट के बाद वाली, हमेशा रिमेंबर दिस, उसको एक में से माइनस कर लो, बस इतना दिमाग में रखना है। तो 1 में से हमने किसको माइनस कर दिया, 0.675 को, 5230 मीन्स यहाँ पर क्या बच गया, 325। अब बिल्कुल सेम मेथड, 10^-11, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली को क्या करते हैं पावर में लगाना है, इनटू 0.32 के 5 में हमें एंटी लॉग देखना है 0.32 के 5 में। तो बच्चे ये वैल्यू जो है इट इज़ 2113। हम यहाँ पे +1 नहीं कर रहे हैं, मीन्स ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एक पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, और हमारा आंसर क्या आ गया, 2.113 × 10^-11। होप आपको ये नेगेटिव वाला लॉगरिथम भी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक लास्ट एग्जांपल और ले लेती हूँ मोर क्लैरिटी के लिए। मान लिया 7.43 ही है, 7.43 इसका एंटी लॉग हमें देखना है माइनस में। तो बच्चे क्या करेंगे, -1 + 1 ये हो गया -8, और ये हो गया 1 में से क्या माइनस कर देंगे 43, तो ये बच गया 7, ये बच गया कितना 9 में से 57। तो अब हम क्या करेंगे, 10^-8 इंटू 0.57 की 0 में एंटी लॉग की टेबल देख लेंगे, 0.57 की 0 में 3715 और +1 के नाम का एक पॉइंट, तो ये हमारा आंसर आ गया 10^-8 3.715। दिस इज द नेगेटिव एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी। तो नेगेटिव क्वांटिटी का ऐसे देखते हैं, पॉजिटिव का और लॉगरिथम ऐसे देखते हैं। होप ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए बच्चे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना ही ईजिली आप ये सीख पाएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।